प्रथम तहलका न्यूज। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध लगातार जारी है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में वहां रह रहे भारत के लोग मुश्किल में जिंदगी जी रहे हैं, तो वहीं उनके परिजन देश में चिंता में डूबे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में नैनीताल जिले के 19 लोग फंसे हुए हैं और इसमें हल्द्वानी के रहने वाली टिमसी मेहरा, नैनीताल की उर्वशी जंतवाल और आयुषी जोशी, प्रेरणा जोशी भी शामिल है। इसके अलावा बाकी अन्य 15 लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। यूक्रेन में फंसी टिमसी मेहरा ने वीडियो कॉल के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नमस्ते, मेरा नाम टिमसी मेहरा है, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और जिससे हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और मैं यूक्रेन में एक सिटी है ओडेसा की, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे साथ काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं और हम लोग फ्लैट में ही हैं क्योंकि हमें बोला गया है कि आप फ्लैट से ना निकले क्योंकि सेफ नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम कल क्या हुआ था, हम लोगों को बॉम्ब वगैरह की कुछ फील हो रहा था, कुछ मूवमेंट वगैरह, तो हम लोग काफ़ी डर चुके थे। तो फिर हम लोग ने यही डिसाइड किया कि हम लोग एक साथ रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत रिस्की है और बहुत डर भी है। और रही बात इवैक्यूएशन की, हमें पता नहीं है कि हम लोगों का इवैक्यूएशन कब करेंगे, बट बोला गया है कि हम करेंगे, बट श्योर नहीं है कब वो लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपने प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी से, कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाले। यूक्रेन में फंसे उनके परिजनों ने भी सरकार से अपने बच्चों को सकुशल भारत लाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे लोग फिलहाल अपने परिजनों के संपर्क में हैं। मेरी बेटी है, MBBS कर रही है और फोर्थ ईयर है उसका। और बस यही परेशानी है कि बस भारत सरकार से यही है कि मेरी बेटी अच्छे सुरक्षित से आ जाए। कब बात हुई? ये हो गया, बात तो होती रह रही है, बात तो होती है। क्या बता रही? बस यही है, डर रही कि बस वो हो रहा, बम विस्फोट हो रहा है, यही है उसकी डर है बस। कितने लोग हैं बिटिया के साथ? अभी उसके साथ 4 लोग हैं। हाँ, उत्तराखंड की हुई है यहाँ, नैनीताल के, हल्द्वानी की, और बाहर के हैं, यूपी के हैं। तो कब गई थी, क्या पढ़ाई कर रही है? वो MBBS कर रही है। इसमें किसी से संपर्क हुआ आपका कि मदद के लिए? हाँ, मैंने अपनी ननद से कहा है, बेला तोलिया जी से। अब वो कह रहे थे कि बात कर रहे, मुख्यमंत्री से बात करती हूँ कह रही थी। प्रशासन से कोई बातचीत, कोई डिटेल? प्रशासन ने संपर्क साधा आपसे? नहीं, मुझसे तो। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम सरोज मेहरा है। मेरी छोटी बहन है टिमसी मेहरा, जो यूक्रेन में है, ओडिशा कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, फोर्थ ईयर में है। वो MBBS की पढ़ाई कर रही है वहाँ पे। क्या कह रही है वो आपसे? वो वहाँ पे फंस चुकी है और उसके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है और वो अभी फ्लैट में है। उसके साथ अभी उसके दोस्त 4 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो खाने वगैरह का उन लोगों ने स्टोर करके रखा है और वो लोग उसी से ही खा रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि वहाँ पे बिजली भी जा सकती है। तो मेरी भारत सरकार से यही निवेदन है, जितना जल्दी हो सके मेरी बहन और उसके साथियों को वहाँ से निकालें। आपका नाम? मेरा नाम दिव्यानी मेहरा रावत। ये मेरी वाइफ की छोटी बहन है, मेरी सिस्टर इन लॉ। वो वहाँ पे अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहाँ गई थी और जो वहाँ पे सिचुएशन अभी चल रही है, तो वहाँ थोड़ी सी मेरे गाइडेंस वहाँ से कॉलेजेस की तरफ से दी गई थी कि इस तरह का वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। और पहले से ही हम यहाँ से संपर्क जो थे यहाँ से हमने बनाए थे, जैसे कि यहाँ से इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे कि जितने भी लोग वहाँ हैं वो लोग यहाँ वापस आ जाएँ। पर हमारी फ़्लाइट भी थी वहाँ से, उसकी बुक थी, वो 1 तारीख को यहाँ लैंड होने वाली थी, पर ये अचानक से वहाँ पे जो हमला शुरू हो चुका है उसके बाद से वो वहाँ पे जो एयरपोर्ट्स में है कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गया है, फ़्लाइट्स वापस मंगवा दी गई हैं। तो उसके बाद से ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं, बस खाली हम लिमिटेड ही बातें कर रहे हैं जितनी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। हाँ, सरकार प्रशासन से यहाँ पे हमारी बातचीत हो गई है। एक हेल्पलाइन नंबर जो 112 यहाँ पे जारी हुआ है, उस पर हमने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है और पर्सनल लेवल पे भी हमने सभी लाइक SSP, DM और CM तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी गई है। इस बारे में नैनीताल के SSP से बातचीत की गई। उनकी माने तो अब तक जिले से कुल 19 लोगों के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी मिली है और बाकी जैसे अन्य लोगों के दस्तावेज प्रशासन को मिलेंगे, उनकी जानकारी उच्च स्तर को भेज दी जाएगी और सभी परिजनों के वे भी संपर्क में हैं। अभी तक जो हमें प्राप्त सूचना है उसके अनुसार 19 लोगों की अभी तक हमें सूचना प्राप्त हुई है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। इसमें LIU और 112 के माध्यम से सूचना इकट्ठी की जा रही है और कंपाइल करके ऊपर शासन पर भेजी जा रही है। निश्चित रूप से इनके परिवार वालों से लगातार हम लोग संपर्क में हैं और उसके अतिरिक्त जो ऊपर से दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में अभी भी 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही है। प्रथम तहलका के लिए हल्द्वानी से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।